लेट्स डू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू दैट इज कॉन्क्रेंस ऑफ ट्राएंगल क्वेश्चन नंबर थर्ड इज यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल एम पी एम पी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ए एम क्यू हमें ये शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है तो कैसे शो करेंगे इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन स्टेप रीजन्स हमें इन स्टेप्स से रिलेटेड रीजंस प्रोवाइड करने हैं अब वो कह रहा है पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम पी एम क्यू एम के इक्वल है तो ये क्या है हमें यहाँ पे मार्क करके दे रखा है तो ये, इसको हम क्या लिखेंगे ये हमें गिव इन कर रखा है तो हम जो चीज फिगर में ऐसे मार्क की हुई होती है इक्वल तो वो हम लिखते हैं कि ये हमें ऑलरेडी गिवन है राइट right? अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में देखिए एंगल पी एम ए पी एम ए ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एम ए क्यू एम ए राइट ये भी मार्क करके दे रखा है तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए गिवन हो गया राइट right? अब नेक्स्ट क्या है ए एम इक्वल्स टू ए एम इक्वल्स टू ए एम ये इस ए एम जो है इस ट्राइंगल में भी है कौन कौन से एम जो है इस ट्राइंगल में भी है साइड और इस ट्राइंगल की भी साइड है तो दोनों में जो चीज़ आ रही है वो क्या होती है कॉमन तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए एम क्या है कॉमन है राइट right? अब नेक्स्ट क्या कह रहा है ट्राइंगल एम पी एम पी कॉन्ेंट है triangle, A, M, Q, तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होता, होता है तो देखिए ये 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 दे है. तो हमारा कौन सा रूल हो गया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो गया राइट right? तो दिस इज आर आंसर लेट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ now. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज़ इक्वल्स टू थर्टी डिग्री एंगल बी इज़ इक्वल्स टू फोर्टी डिग्री एंड एंगल सी इज़ इक्वल्स टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री रफली एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि हम ईज़िली क्वेश्चन को समझ पाएँ तो ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया जिसमें ए बी सी एंगल दे रखें ए बी सी ए है हमारा थर्टी डिग्री बी है हमारा 40 डिग्री और सी है हमारा 110 डिग्री अब इसी तरीके से पी क्यू आर ट्राइंगल दे रखा है तो एक और ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर ये आ गया पी क्यू आर अब एंगल पी हमें 30 डिग्री दे रखा है एंगल क्यू हमें 40 डिग्री दे रखा है और एंगल आर 100 टेन डिग्री दे रखा है राइट आगे क्या कह रहा है स्टूडेंट सेज दैट ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी जो ट्राएंगल है वो कॉन्क्रेंट है पी क्यू आर से बाय ट्रिपल ए कॉन्करेंस क्राइटेरिया एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्क्रेंट है इज ही जस्टिफाइड वाई और वाई नॉट क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है तो ये जस्टिफाइड नहीं है क्यों नहीं है वो प्रूव करती हूँ मैं जब भी हमें कॉन्क्रेंट प्रूफ करना होता है हमें ये पता है कॉन्क्रेंसी के लिए शेप एंड साइज सेम होना चाहिए तो दो ट्राइंगल्स कॉन्क्रेंट हो जाएंगे लेकिन अगर हमें एंगल 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 के अकॉर्डिंग कॉन्क्रेंस प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे अगर हम ऐसा ही सेम ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे ये लाइन ऐसे एक्सटेंड करेंगे राइट right? ये लाइन ऐसे एक्सटेंड करेंगे और एक लाइन बी सी के पैरल ड्रॉ करेंगे एक लाइन बी सी के पैरल ड्रॉ करेंगे पैरल ड्रा करने से क्या होगा ये वाला जो एंगल है ये आर एंगल होगा और ये वाला एंगल हमारा क्यू होगा राइट right? ये एंगल आर हमारा 110 डिग्री का बनेगा क्यों क्योंकि कॉरस्पॉन्ड पैलर लाइंस पे क्या होता है ये जब पैल लाइंस है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है तो ये क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जो कि इक्वल होंगे ध्यान से समझिएगा हम जब भी इस ट्रायंगल के कॉन्क्रीट कोई ट्रायंगल बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं उसको एक्सटेंड करके बना सकते हैं और एक्सटेंड करके एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे बी सी के और ये एंगल इसके टी बनाएंगे और ये एंगल इसके टी बनाएंगे राइट right? ये भी फोर्टी डिग्री का बनाएंगे और ये वाला एंगल कॉमन होगा जिसे ए कह लीजिए या पी कह लीजिए राइट right? तो अगर आप देखेंगे ये वाला ट्राइंगल सिमिलर तो है ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर तो है पी क्यू आर का लेकिन कॉन्क्रेंट नहीं है क्यों क्योंकि इसका साइज़ ट्राइंगल का बड़ा हो गया है राइट right? तो कौन से वाले ट्राइंगल का पी क्यू आर का जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करके बनाया है फिर से बता रही हूँ अगर हम कॉन्क्रेंट बनाएंगे ए बी सी ट्राइंगल को बाय ए ए ए क्राइटेरिया से पी क्यू आर के तो वो पॉसिबल नहीं है कॉन्क्रेंट ट्राइंगल होना पॉसिबल नहीं है बाय ए ए ए क्राइटेरिया से लेकिन सिमिलर ट्राइंगल होना पॉसिबल है क्योंकि हम उसको कॉन्क्रिंट कब बना सकते हैं जब हम उसको पैल लाइन खींचें उसके और कॉरस्पॉन्डिंग सेम एंगल्स बनाए तो वो क्या हो जाएगा बिगर हो जाएगा एग्जिस्टिंग ट्राइंगल hmm. से तो नो इट इज नॉट Possible to have Triangle ABC concurrent to Triangle PQR by triple A criteria but ट्राएंगल ए बी सी सिमिलर हो सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर के ये साइन सिमिलर का है राइट right? तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्क्रेंट नहीं हो सकते यहाँ पे ये नॉट कॉन्क्रेंट लिख सकते राइट तो दिस इज़ आर आंसर